आज हम आपको मिर्च के, हरी मिर्च के अचार के बनाने की विधि के बारे में बताते हैं। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक अचार है। इन अचार मिर्चों में आयरन की और बहुत इसमें हरी मिर्चों में आयरन की मात्रा होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। सबसे पहले हमने ये 250 ग्राम मिर्ची ली है, इसको धो के अच्छी तरह और साफ कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। अब हम इसको बारीक लंबाई के आकार में काट लेंगे। काट लेंगे सभी मिर्चों को लंबाई में बराबर मात्रा में, जैसी साइज की काट के अपने मन की इच्छा, चाहे भर के बनवा लो चाहे काट के। हम आपको आज काट के बनाने की मिर्ची बनाने की विधि बताते हैं। इन मिर्चियों को बराबर लंबाई के आकार में, बड़े बड़े आकार में या छोटे, जैसे भी आपको पसंद हो आप ऐसे काट सकते हो। और ऐसे लंबाई में हमने इनको सब मिर्चों को काट लें। अब हमने ये मिर्चों को काट लिया है, सभी मिर्चों को काट के यहाँ पे रख लिया है। अब हम इसमें अब 2 चम्मच के करीब मेथी दाना, 2-3 चम्मच के करीब सौंफ डाल दी, ये हल्दी 2 चम्मच हल्दी डाल दी। अब 1 चम्मच के करीब मिर्च और स्वादानुसार नमक डाल देंगे, नमक डाल दिया। अब चिरौंजी, चिरौंजी का 1/2 चम्मच हमने चिरौंजी डाल दी। उसके बाद हम इन मसालों में थोड़े रंग बनाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देंगे, ये रंग बनाने के लिए मिर्च डाल दी। अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मिक्स कर लिया इन सभी मसालों को, मिक्स कर लिया। थोड़ा सा इसमें हम इसको मिक्सी में डालकर हल्का सा हम दरदरा कर लेंगे, मिक्सी में डालकर हम इसको थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे। अब इस सब मिक्स मसाले करके हल्का सा हमने दरदरा करके अब इसमें हमने डाल दिया, हम सारा मसाला इसमें डाल दिया। और हल्का सा इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया। तेल डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले को सभी को। थोड़ा सा तेल कम हो तो और भी डाल दें, थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के, मसाला डालने से, तेल डालने से थोड़ा सा अचार और भी स्वादिष्ट बन जाता है। अब हम इसमें मसाले मिक्स करके अब इसमें हमने मिर्च डाल देंगे। अब सारी मिर्चों को इसमें डाल के अच्छी तरह हम इस मसाले में मिर्चों को मिक्स करेंगे, ताकि इसमें नमक और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। या हम हाथ से ही, क्योंकि चम्मच से नहीं हो पाएगा, तो हम हाथ से ही अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए रंग भी बन गया और मसालों को अच्छी तरह हम मिलाएंगे। ये अचार का आपको खाने में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगेगा और खाने का भी बहुत ही आनंद आएगा। अच्छी तरह हम इसको हाथ से ही मिक्स कर देंगे। देखिए मिर्चों का अचार कैसे रंग का अच्छा, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा तेल कम हो तो हम और भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये आपको देखने में अचार और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका खाने में और भी आनंद आएगा, मज़ा आएगा खाने अचार के साथ खाने का। देखिए अचार का कलर कितना अच्छा, टेस्टी, देखने में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप इस अचार को खाएंगे तो बहुत ही
अच्छा लगेगा। अब हम इस अचार को इस कांच के बाउल में भर देंगे। भर के अचार को आप उस ऊपर से हल्का सा तेल और डाल के आप ताज़ा अचार जब भी खा सकते हैं, ताज़ा साथ के साथ ही खा सकते हैं। और इसको आप बेशक 15 दिन महीना भी इसको ये ख़राब अचार होने वाला नहीं है, आप इसको आराम से जितने दिन चाहे खा सकते हैं। ये आप खा के देखिए, आपको ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा खाने में लगेगा। तेल और भर दें थोड़ा सा और डाल दें ऊपर से, और ये अचार आप रख के ताज़ा साथ के साथ भी इस अचार को खा सकते हैं। ये हमारा अचार ताज़ा खाने के साथ साथ ही हम खा सकते हैं इसको। इसको हम रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ जब मर्जी खाओ, और 15 दिन तक 20 दिन तक ये अचार आराम से चल सकता है। ये देखिए हमारा अचार मिर्च का तैयार हो गया है, आप इसे बेशक जब भी खा सकते हैं।